नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। 4 साल की उम्र में मां से हुआ वंचित, अब बच्चों को छोड़कर हुआ शहीद। पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में धौलपुर के भागीरथ सिंह वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनके शहीद होने की खबर जैसे ही घर पर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। भागीरथ सिंह को बचपन में उसकी माँ का प्यार नहीं मिला। गाँव के लोगों ने बताया कि भागीरथ सिंह की उम्र जब 4 वर्ष की थी, तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। वहीं शहीद के छोटे भाई और बच्चों की उम्र करीब 1.5 वर्ष थी। भागीरथ के शहीद होने के बाद गांव वाले यही कह रहे हैं कि 4 वर्ष की उम्र में भागीरथ को मां छोड़कर चली गई थी। अब शहीद भागीरथ 3 साल के बेटे और 1.5 साल की बेटी को छोड़कर चले गए हैं। शहीद भागीरथ का 3 साल का बेटा विनय और 1.5 वर्ष की बेटी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उनके पिता भागीरथ श्रीनगर में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। दोनों बच्चे कभी मायूस हो जाते हैं तो कभी देख कर लोगों को हंसते हैं। ये दोनों मासूम बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। शहीद की पत्नी जोर जोर से रो रही है, कह रही है कि शहीद तुम हो गए, अब बच्चों को दुलारने कौन आएगा। पति के शहीद होने की जानकारी के बाद पत्नी रंजना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को रोते रोते रंजना कई बार बेसुध हो चुकी है। गांव के लोगों ने बताया कि भागीरथ के पिता परशुराम शुरू से ही मध्य प्रदेश के बबीना में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। पत्नी की मौत के बाद उन्होंने भागीरथ को और उसके भाई बहनों को बहुत मेहनत से पाला है। हालांकि भागीरथ और उसके भाई बल्लो के पालन पोषण का जिम्मा चाचा के ऊपर था और चाचा ने शादी नहीं की। उन्होंने दोनों भतीजों को बेटों की तरह पाला पोसा और बड़ा किया और नौकरी तक पहुँचाया है। चाचा का भी रो रो कर बुरा हाल है। अगर आप भागीरथ सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।